संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज देशाचं सर्वात घातक लढाऊ विमान म्हणून ओळख असलेल्या सुखोई 30 मधून उड्डाण केलं. भारतीय वायुसेनेच्या जोधपूरच्या तळावरून सुखोई 30 त्यांनी उड्डाण केलं. याआधी सीतारमण यांनी गेल्याच आठवड्यात INS विक्रमादित्यवरील MiG-29 या लढाऊ विमानातून उड्डाण केलंय. याआधी राष्ट्रपतीपदी असताना प्रतिभाताई पाटील यांनीही सुखोई 30 मधून उड्डाण केलं होतं. सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि हमारे पायलट्स के पूरे तैयारी और उनके रिस्पॉन्स करने का स्पीड और उनके ट्रेनिंग का एक्सेलेंस पूरे आज मैं महसूस करके अभी इस फ्लाइट का फ्लाइट के बाद आपके सामने खड़े हूँ. पूरे हमारी एयरफोर्स का प्रिपेयर्डनेस के ऊपर मैं और क्या बोल सकती हूँ. वैसे हमारी एयरफोर्स दुनिया में एक अच्छा सा शानदार एयरफोर्स इसका आज मैं पूरे अनुभव की. श्री 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.